Com ferro. O ano comendo um birri. O ano tá bocando alegre. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے بابرکت، سب سے اعلی، سب سے حسین نام اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ، یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام رحمان
रहीम, हफीज, बसीर, कदीर, कबीर, गफूर वगैरह हूँ। ये सारे नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा प्यारे हैं। इन असमाए मुबारका की बरकात का ये आलम है कि जो मुसलमान सच्चे दिल से इन असमाए मुबारका का विर्द करे, इनको अपनी जुबान पे जारी करे, दिलो जान से अगर इनको पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे यकीनन जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम हैं, जो शख्स इन नामों को पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन मुकद्दस नामों के जरिए से ये जहन में रखें, जब भी बंदा ए मोमिन दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। हजरत बुरैदा रदी अल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने सुना, एक आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यूं दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में इसलिए सवाली हूं कि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा कोई इला नहीं, तू यकता है, कुल जहां तेरी मोहताज है लेकिन तू किसी का मोहताज नहीं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इसलिए सवाली हूं कि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा कोई इला नहीं, तू यकता है, तेरी तू किसी का मोहताज नहीं, तू वही है जिसने ना किसी को जना ना जना गया, और ना तेरा कोई मसील यानी मिसल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बुरैदा फरमाते हैं जब उसके इन प्यारे अल्फाज को सुना कि इन प्यारे अल्फाज में वो हुजूर से दुआ मांग रहा था, इरशाद फरमाया, इस आदमी ने अल्लाह तबारक व ताला से इसमें आजम से दुआ मांगी है कि जब इसमें आजम से सवाल किया जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है, और जब दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम हो अल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम हो रहमान रहीम वगैरह, अगर बंदा मोमिन सच्चे दिल से इनका विर्द करता तो बंदे मोमिन को ना सिर्फ ये कि कैफ सुरूर राहत और तमानियत हासिल होती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे जन्नती बना सकता है, जन्नती बना देता है। अल्लाहु अकबर के अस्माए मुबारका के बाद मैं थोड़ी सी आवाज तेज करता हूं तो ये माइक की आवाज गड़ने लग जाती है, और हमारे लोगों की हालत ये है, ठीक 12 बजे आएंगे, बटन खोलेंगे, हेलो, पूरे हफ्ते इन गरीबों को फिक्र ही नहीं है कि इतने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, तकरीर सुनने आते हैं, कुछ तो इसका ख्याल किया जाए। मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला इन सारे बुजुर्गों को
और सारे लोगों को अहले सलीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए मुबारका के बाद इस कायनात में सबसे ज्यादा हसीन नाम मुबारक प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हैं। वो अस्माए मुबारका हैं, हुजूर के ये वो मुकद्दस नाम है कि जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुतुब में फरमाया। हुजूर के नाम अल्हम्दुलिल्लाह तौरात में भी मौजूद, हुजूर के नाम जबूर में भी मौजूद, हुजूर के नाम इंजील में भी मौजूद, और हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम कुरान मजीद व फुरकान हमीद में भी मौजूद। अगर आप कुरान मजीद व फुरकान हमीद का मुताला फरमाए तो कुरान के औराख इन नामों पर और आदिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम अहमद भी है। तौरात इंजील जबूर इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम जो जिक्र हुआ वो अहमद हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बशीर भी है, नजीर भी है, मुनीर भी है, रऊफ भी है, रहीम भी है, रहमतल्लिल आलमीन भी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बजाते खुद अपने मुबारक नामों का जिक्र फरमाया। हजरत जुबैर बिन मुतईम रदी अल्लाह तआला से रिवायत कि मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ये फरमाते सुना, मेरे मुतअद्दिद नाम है, मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं, मैं माही भी हूं जिसके जरिए से अल्लाह ने कुफर को मिटाया, मैं हाशिर भी हूं जिसके कदमों में लोगों को उठाया जाएगा, मैं आतिब हूं। और आतिब कौन होता है? हुजूर ने फरमाया वह अनल आतिब, और मैं आतिब भी हूं। वह अल आतिबु अल्लज़ी लैसा बादहू नबीयुन, आतिब वो होता है कि जिसके बाद कोई नबी ना हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक नामों का जिक्र खुद भी फरमाया। अल्लाहु अकबर। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन कोई मुसलमान सच्चे दिल से प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नामों का जिक्र करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। अब मैं जरा आपको सैर करा, ये रात के 3:30 बज गए, ये सारी बातें लिखते हुए जमा करते हुए जरा मैं आपको सैर कराता हूं। आपकी जुबान सुभान अल्लाह और माशाल्लाह से तर रहनी चाहिए। अब गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, किस कदर प्यार फरमाता है। कहते हैं कि कम वो बेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में जलवागर, लेकिन रब्बे करीम ने जब दीगर पैगंबरों से खिताब फरमाया तो खिताब का अंदाज एक ही रहा। यानी आप कुरान मजीद व फुरकान हमीद का मुताला फरमाए, मसलन फरमाया या आदमो, आप देखें अंदाज एक है, या इब्राहिम अंदाज एक है, या मूसा अंदाज एक, या यहया अंदाज एक है, या जकरिया अंदाज एक है, लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो अंदाज खिताब और ज्यादा हसीन हो गया। फरमाया या अय्युहन नबीयु, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाए कि अल्लाह अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है। अल्लाहु अकबर। अब ये बात जहन में रखें आप, जो मैं गुफ्तगू अब करने जा रहा हूं, और कोशिश होगी कि मेरी ये गुफ्तगू जारी रहे, ऐसे मौजूआत कि जिन पर मैंने बचपन से आज तक किसी की तकरीर नहीं सुनी, मेरी कोशिश है कि उन मौजूआत पे भी गुफ्तगू की जाए।
ताकि वो मौजूआत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए जो हमारी नौजवान नस्ल है जो अब आलिम दीन बनने जा रही है, तो वो हमारी इस गुफ्तगू से सही मानों में फायदा उठा सके। अल्लाहु अकबर। अब दो नाम हुजूर करीम अलैहि सलाम के ऐसे हैं जो जाती नाम है, एक हुजूर का नाम मोहम्मद और दूसरा हुजूर का नाम अहमद। जहन में रखना कि ये जाती नाम है और बाकी जो नाम है हुजूर के, सिराज, मुनीर, शाहिद, बशीर, ये हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के सिफाती नाम है। अब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारक कितने, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम कितने, मैंने इस पर बड़ी तहकीक की कि मैं बता सकूं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के कुल अस्माए मुबारक कितने हैं। अल्लाहु अकबर। लिखने वालों ने ये लिख कर के कलम तोड़ दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है या उसके बताए से उसके महबूब बेहतर जानते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारक जो है वो कितने हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारक पर हमारे बुजुर्गों ने गुफ्तगू की, अस्माए मुबारक को जिक्र फरमाया। मसलन अल्लामा सकावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब कौलुल बदी है, इसी तरह अल्लामा काजी अयास रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब शिफा शरीफ है, इसी तरह इब्ने अरबी की मशहूर किताब अल कुब्स वल अहकाम ये भी बड़ी मशहूर किताब है। इन तीनों किताबों का मुताला फरमाए आप। इसमें इन तीनों बुजुर्गों ने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के जो अस्माए मुबारक का जिक्र फरमाए वो कुल 400 बनते हैं। 400 नाम हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्लामा सखावी ने, अल्लामा काजी अयाज ने और इब्ने अरबी ने जिक्र फरमाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला का एक मशहूर रिसाला अर रियाजुल अनीका ये अल्लामा सियूती ने लिखा। इसमें अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला ने तकरीबन प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के 500 नाम जिक्र फरमाए। अल्लाहु अकबर। आइए आप हजरत इमाम जजूली रहमतुल्लाहि तआला मशहूर जमाना किताब दलाइलुल खैरात शरीफ, आप जरा दलाइलुल खैरात शरीफ का मुताला फरमाए, उसको जरा गौर से देखे। अल्लामा हजरत इमाम जजूली रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी नजम के साथ बड़ी तरतीब के साथ पूरे दलाइलुल खैरात शरीफ का मुताला फरमाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 201 नाम जिक्र फरमाए। अल्लाहु अकबर। हम जरा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम असर, के इनका नाम हजरत अल्लामा सैयद मखदूम हाशमी, सैयद मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ठट्टे के अंदर इनका मजार है। मैंने मुखालिफिन की किताबों को पढ़ा कि मुखालिफिन ने भी लिखा कि कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, शदीद गर्मी और लू हो, अगर अल्लामा मखदूम हाशमी ठटवी के मजार पे कोई चला जाए तो वहां पर ठंडक ही ठंडक होती है, वहां पर राहत ही राहत होती है। तो बेवकूफो, जब अल्लामा हाशिम ठटवी के मजार का ये आलम है तो प्यारे मुस्तफा के मजार का क्या आलम होगा। पता नहीं तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती, पता नहीं तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती। अल्लामा ठटवी रहमतुल्लाहि ताला ने एक बड़ी मशहूर किताब अल्लामा ठटवी की, और ये 300 साल पुरानी किताब है। किताब का नाम हदीकतु सफा फी अस्माई नबीयल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लामा हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी इस किताब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1177 नाम मुबारक का जिक्र फरमाए, 1177 मुबारक नाम जिक्र फरमाए। अल्लाहु अकबर, क्या शान है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसलिए तो लिखने वालों ने लिखा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक्कहु बादस उदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाहु अकबर। लिखा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, ऐ हुस्नो जमाल वाले हमारे आका, आप तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विरल कमर, आपके चेहरे अनवर से चांद रोशन हो गया।
अल्लाह अकबर, कैसे मोहब्बत करने वाले गुजरे। लोग जब अपने महबूब की तारीफ करते हैं तो कहते हैं जान से महबूब का चेहरा रोशन हो गया, और यहां तारीफ की जा रही है प्यारे आका आप तो वो हैं कि आपके चेहरे से चांद रोशन हो गया। अल्लाह अकबर कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कहू, आपकी मिधा वसना कमा हक्कहू मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है हमारे आका कि आपकी मुकम्मल तारीफ की जाए। हुजूर ने फरमाया था ना अबू बकर से, अरे अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई और नहीं जानता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका आप तो वो हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि आपकी मदा व सना बयान की जा सके। अल्लाह अकबर, आखिरी में इस जुमले पर गुफ्तगू खत्म कर दी, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई बुजुर्ग जात है तो कहते हैं प्यारे मुस्तफा। अल्लाह अकबर, शेख सादी भी जब हुजूर के अस्माए मुबारक को देखते हैं दंग हो जाते हैं, इतने नाम प्यारे मुस्तफा के। अल्लाह अकबर झूमते हुए कहते हैं बल गल वला भी कमाल ही का शफक दुजा भी जमाल ही हसुनत जमीयो के साल ही सल्लू अलैहि वाहल ही बल गल वला भी कमाल ही, आप अपने कमाल के साथ बुलंदियों पर पहुंचे। का शफक दुजा भी जमाल ही, आपके हुस्न जमाल से तमाम अंधेरे दूर हो गए। हसुनत जमीयो के साल ही, आपकी तमाम के साल यानी आपकी तमाम आदतें बहुत अच्छी हैं। सल्लू अलैहि वालही, आप पर और आपकी आल पे दुरूद पढ़ो, पढ़ो बाबा से बुलन सल्लल्लाहु अला नबी जिल उम्मी जी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, प्यारे आका करीम अलैहि सलातु व सलाम का एक जाती नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और दीगर जो हुजूर के मुबारक नाम है इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी कोशिश होगी कि उन मुबारक नामों पर गुफ्तगू की जा सके। किसी ने कहा उठाया सरे लौह पर जब कलम, उठाया सरे लौह पर जब कलम, किया पहले नामे मोहम्मद रकम। उठाया सरे लौह पर जब कलम, किया पहले नामे मोहम्मद रकम, लिखूं उसकी तारीफ व तौसीफ क्या, लिखूं उसकी तारीफ व तौसीफ क्या, के है मधा कुआ जिसका रब्बुल उला। फरमाते क्या शान है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम की। ये बात जहन में रखें कि हुजूर अलैहि सलातु व सलाम का ये मुबारक नाम मोहम्मद ये अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों से नाजिल फरमाया, आसमानों से नाजिल किया। चुनाचे उठाइए किताब अल मवाहिबुल लदुनिया जिल्द अव्वल सफा नंबर 124 है, हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहि सलाम की प्यारी वालदा मेहरबान का उसमें कौल मौजूद है। हजरत आमना फरमाती हैं जब हमल में यानी जब हुजूर मेरे शिकम अक्दस में थे और जब 6 माह गुजर गए तो ख्वाब में कोई आने वाला आया और उसने कहा आए आमना आपको पता है आपके शिकम अक्दस में सारे जहां के सरदार मौजूद है, ताजदार मौजूद हैं, जब उनकी विलादत हो तो आमना अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह अकबर, तो फरमाते हैं ये नाम अल्लाह ताला ने आसमानों से नाजिल किया। आइए हम बचपन से सुनते आए ना मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, आइए जरा इस पर गौर भी तो करें क्या माना है इसके, क्या बरकात है इसकी। अल्लाह अकबर, बाज लिखने वालों ने लिखा जानते हो मोहम्मद का माना क्या है। सुनिए आप, हम हुजूर की तारीफ करने यहां बैठे, अपनी जुबान को सुबान अल्लाह से तर रखे, माशाल्लाह से तर रखे, कहते हैं अल्लजी यहमदो हमदन मर्रतन बाद मर्रतिन। मोहम्मद के माना वो है वो साते कामिला जिसकी बार बार तारीफ की जाए, वो साते कामिला
जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अल्लाह अकबर अहले इल्म फरमाते हैं लफ्ज़े मोहम्मद या इस्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं ये हम से मुश्तक है। आसानी से समझाने के लिए कहूं कि ये हम से निकला है, जिसके माना तारीफ के आते हैं। इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि मोहम्मद उसे कहा जाता है जिसके औसाफ व कसाइल काबिल तारीफ आदत से बढ़ जाएं, उसे मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद व फुरकान हमीद का आप मुताला फरमाएं, जरा अपनी आंखों के तेल को जलाएं तो आपको पता चले इल्म क्या होता, इल्म के लिए मेहनत कितनी होती है, ये बातें बयान करने के लिए कितनी किताबों को खंगालना पड़ता। अल्लाह अकबर। आइए कुरान मजीद व फुरकान हमीद का मुताला फरमाए। कुरान मजीद व फुरकान हमीद में 26वें पारे में गालिबन दो मुकाम पर इसमें मोहम्मद को जिक्र किया गया, चौथे पारे को खोले वहां पर एक मुकाम पर इसमें मोहम्मद को जिक्र किया गया, 22वें पारे में एक मुकाम पर इसमें मोहम्मद का जिक्र हुआ। ईमान लाओ उस पर जो मोहम्मद पे नाजिल किया गया। एक मुकाम पे फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। एक मुकाम पे फरमाया गया मा काना मुहम्मदुन अबाहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद नहीं है तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। अल्लाह अकबर। इन मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पारों में इन मुकद्दस जगहों पर अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद जिक्र फरमाया। अल्लाहु अकबर। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब लफ्ज़े मोहम्मद पर गुफ्तगू की एक बड़ा शानदार नुक्ता लिखा, जो दरसे निजामी के तलबा हैं यानी जो दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं उनको तो बड़ा मजा आएगा। अल्लामा मुल्ला अली कारी लिखते मोहम्मद मुबालगे का सीगा और मुबालगा मुबालगे मुतलक इसका तकाजा करता है कि उसकी बार बार और बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, और लायक तारीफ वो ही होता है जिसमें कोई आयब ना हो। मुल्ला अली कारी के इस नुक्ते ने तो कमाल कर दिया। लायक तारीफ वो होता है जिसमें कोई आयब ना हो। अल्लाह अकबर। अब जरा फरमाए, अब गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जाते पाक का नाम आसमानों से नाजिल करे और फरमाए कि मोहम्मद है, अरे आमना इनका नाम मोहम्मद रखना, और मोहम्मद वो होता है कि जिसमें कोई ऐब ना हो। अल्लाह अकबर। याद रखे कि इल्म ना होना, इल्म ना होना, मैं फिर समझाता, इल्म ना होना ये जहालत है और जहालत ऐब है। इख्तियार ना होना, इख्तियार ना होना, इख्तियार ना होना ये मजबूरी है और मजबूरी ऐब है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मोहम्मद बनाया, पता चला कि उलूम के खजाने भी अता फरमा दिए और पता चला कि तमाम इख्तियारात भी अपने महबूब को दे दिए। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मोहम्मद फरमाया। अब अगर उनका कलमा पढ़ने वाले कहें कि रसूल को गैब की क्या खबर, अब अगर उनका कलमा पढ़ने वाले कहें जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, ये बातें जरा गौर से सुनो और दिमाग में रखो, अब अगर उनका कलमा पढ़ने वाले ये कहें कि रसूल को गैब की क्या खबर, उनका कलमा पढ़ने वाले ये कहें जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया गया, उनका कलमा पढ़ने वाले ये कहें कि मोहम्मद के चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह अकबर, तो पता ये चला कि ये वो लोग हैं जो सरकार के गैब का इनकार कर रहे हैं, जो सरकार के इख्तियार का इनकार कर रहे हैं। पता चला कि ये लोग दिल से हुजूर को मोहम्मद मानते ही नहीं। अगर हुजूर को मोहम्मद मानते तो हुजूर के इल्म गैब का इनकार नहीं करते, इख्तियार का इनकार नहीं करते। अल्लाह अकबर। मैं सोचता था कि हम सुन्नी ही या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं और किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं, तो सहाबा ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, अकाबिर औलिया ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, आखिर ये बदबख्त या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहते, आखिर इसकी क्या वजह है। तो अब पता चला
कि ये या रसूल अल्लाह के नारे इसलिए नहीं लगाते कि ये दिल से प्यारे मुस्तफा को मोहम्मद नहीं मानते। अगर दिल से प्यारे मुस्तफा को मोहम्मद मानते तो यकीनन या रसूल अल्लाह के नारे लगाते, क्योंकि मोहम्मद वो होता है जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई सुकम ना हो, जिसमें कोई खराबी ना हो। अल्लाहू अकबर। तो अब हम जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, अल्लाहू अकबर, पता ये चला हम दिल से भी हुजूर को मोहम्मद मानते हैं, जान से भी हुजूर को मोहम्मद मानते हैं। मोहम्मद वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब फरमाया करते थे, आप फरमाते थे, जो लोग हबीबे खुदा की जाते वाला सिफात के मुतालिक कहते हैं कि नबी को गैब की क्या खबर, नबी को फला चीज का इल्म नहीं था, फला चीज का इख्तियार नहीं था, तो मैं उनसे कहता हूं वो कलमा फिर यूं ना पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर वो कलमा इस तरीके से ना पढ़े, क्योंकि मोहम्मद तो वो है जिसमें कोई आय बना, मोहम्मद तो वो है जिसमें कोई सुखम ना हो। अल्लाहु अकबर फरमाते फिर वो कलमा यूं पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह बशरुन रसूलुल्लाह, बशरुन रसूलुल्लाह, वो फिर कलमा इस तरह से पढ़ा करें, जो कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसका यकीन और ईमान होना चाहिए कि हमारे आका बेऐब हैं। अल्लाहु अकबर। और याद रखो मुसलमानों, सारे सहाबा इकराम, पूरी जमाते सहाबा प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बेऐब मानती थी, उनका ये अकीदा था हमारे आका बेऐब है। अगर यकीन ना आए उठा, हजरत हसन इब्ने साबित रदियल्लाहु तआला की शायरी को और वो मशहूर अशआर मैं आपको याद कराता हूं। एक मुकाम पे कहते हैं, वह अहसन मिनका लम तरक्कत तो आईनी, मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं, वह अजमल मिनका लम तली दिन निसाऊ, अरे देखती कैसे कि आपके जैसा तो किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह अकबर। वह अहसन मिनका लम तरक्कत तो आईनी, मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं, वह अजमल मिनका लम तली दिन निसाऊ, देखती कैसे आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिख्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ये फाजिले बरेलवी नहीं कह रहे, ये हसन इब्ने साबित कह रहे हैं, जो सहाबी रसूल है, दरबार रसूल के नातख्वा है। खुलिख्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, मेरे आका आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अन्नका खद खुलिख्ता कमा तशाऊ, ने तो आपको ऐसे बनाया जैसा आपने चाहा। अल्लाहू अकबर। देखा आपने कितने शानदार अशआर, वह अहसन मिन कलम तरक्कत तो ऐनी, वह अजमल मिन कलम तली दिन निसाऊ, खुलिख्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, का अन्नका खद खुलिख्ता कमा तशाऊ। अल्लाहू अकबर। क्या शान है प्यारे आका करीम अलैहि सलातु वसलाम की। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबी जना व मौलाना मोहम्मद मादीनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जरा हो सकता है किसी को समझ में ना आई हो, वो कहे शाह साहब आपकी बात तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई, समझाना ये हमारा काम है। आओ बिला तशबीवा मैं एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए, ताकि सबके दिमाग के अंदर यह बात बैठ जाए, समझाने के लिए अर्ज करता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। देखो एक कारीगर है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, शानदार चीजें बनाता है। अब उसने अपनी शाहकारी दिखाने के लिए, अपना फन दिखाने के लिए,
एक बड़ी शानदार चीज बनाई, शानदार चीज बनाई। शानदार चीज बनाने के बाद उसको डिस्प्ले में रखा, डिस्प्ले किया। अब इस माहिर कारीगर से मोहब्बत रखने वाले लोग भी आ रहे हैं, आते हैं, चीज को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, वाह वाह, बड़ी शानदार चीज बनाई, इसमें तो कोई ऐब नहीं, इसमें तो कोई खराबी नहीं। अल्लाहु अकबर, जब ये इस चीज की तारीफ कर रहे हैं तो बज़ाहिर तो ये चीज की तारीफ हो रही है लेकिन हकीकत में बनाने वाली की तारीफ हो रही है। अब इस कारीगर के दुश्मन जमात के लोग आते हैं, आकर के इस चीज को देखते हैं, है ना दुश्मन, कहते खराबी है, कमजोरी है, यहां से रख के देखो इधर से टेढ़ी है, क्या चीज बनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने बिला तमसील, बिला तशबी रंग रंग की मखलूक बनाई, वली बनाए, अब्दाल बनाए। दिमाग मेरी तरफ होना चाहिए, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहो, नहीं भी समझ में आए तो कहो। वली बनाए, अब्दाल बनाए, औताद बनाए, अख्ताब बनाए, इमाम बनाए, गौस बनाए, नबी बनाए, रसूल बनाए, उलुल अजम पैगंबर बनाए, और एक अपना शाहकार प्यारे मुस्तफा बना करके जमीन पे भेज। अल्लाह, एक शाहकार रब्बुल इज्जत ने दुनिया के सामने रख दिया जिनमें कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई खराबी नहीं। अब अल्लाह की जमात के लोग आते हैं, उलाई का हिजबुल्ला, जिन्हें हिजबुल्ला कहा गया, अल्लाह की जमात के लोग आते हैं, कौन, अबू बकर सिद्दीक आते हैं, फारूक आजम आते हैं, उस्मान गनी आते हैं, हैदर कर्रार आते हैं, प्यारे मुस्तफा को देखते हैं, कितने खूबसूरत, कितने हसीन, कितने जमील, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका, किथे रहे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक रखिया, किथे जारिया, वाह वाह, क्या शाकार कुदरत है, कैसे कैसे कमालात और खूबी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अब किताबें लिखी गई, आदीस लिखी गई, हालात तो वाकिया बयान हुए, अब गौसे आजम आते हैं, इमाम आजम आते हैं, दाता गंज बख्श आते हैं, गरीब नवाज आते हैं, इमाम अहमद रजा आते हैं। अल्लाह अकबर, जब हुजूर का सराफा पढ़ते हैं दंग हो जाते हैं, चूम के कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बावे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनाही से है बरी, ऐरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, अल्लाह की सरतादा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर, आते हैं प्यारे मुस्तफा पे कुर्बान हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्यों, इसलिए ये अल्लाह की जमात के लोग हैं, ये हिजबुल्लाह है। अल्लाह के मुखालिफ जमात के लोग भी आते हैं जिन्हें हिजबु शैतान कहा गया, अबू जहल आता, अबू लहब आता, उदबा आता, शैबा आता, वलीद बिन मुगीरा आता है। ओहो, इनमें तो माशाल्लाह कोई खूबसूरती ही नहीं है, इनमें तो कोई कमाल ही नहीं है, इनमें तो कोई रानाई ही नहीं है, इनमें तो कोई
دلکشی ہی نہیں ہے، وہ مرکب کے جہنم میں پہنچتے ہیں، ان کی اولادیں آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں ہے تو ہمارے جیسے، ٹھیک ہے افضلیت ہے ہماری طرح ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کی تعریف تو ایسے کی جائے جیسے گاؤں کے چودھری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ محبوب، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم لوگ تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ تو میری قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس چیز کو بنانے والے کی تعریف ہے، اس چیز کی کوئی تعریف کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بنانے والے کی برائی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی کوئی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ رب کی تعریف کر رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی کوئی برائی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ رب کی برائی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو رب نے فرمایا محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ دیتا، رات 3 بجے لکھا، دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، جب تک تڑکا لگے نہیں ہم کو مزہ آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ رات کے 3:15 بج رہے تھے، نقطہ لکھا۔ اللہ اکبر، گویا رب نے فرمایا ظالمو تمہیں میرے محبوب میں عیب دکھائی دیتے ہیں، لگا مونچھوں پہ بستر، اس طرح رکھو کندھے پہ بستر، لگاؤ مونچھوں پہ اس طرح رکھو کندھے پہ بستر، پھرو گلی گلی لاؤ میرے محمد جیسا، لاؤ میرے محبوب جیسا، جب میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تو تم لاؤ گے کہاں سے، لاؤ گے کہاں سے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، ارے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، دوستو ذرا سوچو تو صحیح، جن کو رب العالمین ہر نقص ہر عیب ہر خامی سے پاک بتائے، جن کے سر پر اللہ شفاعت کا تاج سجائے، جن کو رحمت للعالمین کی خلت سے نوازے، جن کو مقام محمود کی نوید سنائے، جن کو حوض کوثر کا مالک بنا کر شادیاں نے سنائے، جن کو نبیوں رسولوں سے اور ملائکہ سے اونچا کر کے سب کا سردار بنائے، جن کی شفاعت سے روز قیامت ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں کو مصیبتوں کے بارے میں کہنا، ان میں تو یہ کمی رہ گئی، ان میں نقص رہ گیا۔ اللہ اکبر، وہ اعلی حضرت کہتے ہیں نا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ چاہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا نام نیچے آ جائے۔ 400 پیارے مصطفیٰ کا نام، دنیا آسمانوں میں میرے محبوب کا نام گونجے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ومتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پیارے چاہتے یہ ہے اپنے پھوکوں سے تیرے چراغ کو بجا دے، تیرے نور کو بجا دے، تیری عصمت کو ختم کر دے، مگر محبوب تیرا رب تجھے کمال کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا کمال۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے تو جو محبوب کو بے عیب مانتے، جو محبوب کو بے مثل مانتے، جو حضور کو دل سے محمد مانتے ہیں، اللہ اکبر واضح اعلان ہے کہ ان کو اللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں وہ انعامات عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کی تعریف سنی ہوگی، نہ کسی کا خیال گزرا ہوگا۔ اور جو لوگ پیارے محمد کے نام پر عیب لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اور انشن باتیں کرتے ہیں، انہیں پکڑ کر ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا، ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ
دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. یا اللہ تو نے جس حبیب مکرم کو محمد بنا کے بھیجا ہم سب کو ان کی بارگاہ میں با ادب نیاز مند رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں شیطان کی جماعت حزب الشیطان سے اے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما. باتیں بہت کے ساتھ گزر گیا, لیکن یہ جتنے مائک سنبھالتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں انسان کے بچے بن جاؤ. میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں, میری پوری پوری راتیں کھپ جاتی ہیں اور تم اس کو معمولی سمجھتے ہو. آؤ ذرا کتابیں کھنگالو, تمہیں پتا چلے کہ کن کن جگہوں سے یہ باتیں نکالنی پڑتی ہیں. اور یہ باتیں میں کیا نکالوں, یہ اللہ رب العزت میرے دل میں ڈالتا ہے. محنت کرو, پورے ہفتے اس پر کام کرو. یہ ہزاروں لوگ یہاں پر تقریر سننے کے لیے آتے ہیں, پیارے اللہ اور پیارے مصطفیٰ کی تعریف سننے کے لیے آتے ہیں. تو یہ مایوس نہ جائیں, یہ نا امید نہ جائیں. یہ جب آئیں تو ان کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹے مار رہا, اور کوئی غیر بھی آ جائے تو وہ بھی کہے واقعی عاشقوں کا اجتماع ہوتا ہے تو میمن مسجد مسلم الدین میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اخلاص پیدا کرو. بس میں تقریر کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگوں کو سنا رہا ہوں, میری تقریر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سناتا ہوں. اور یقیناً میرے آقا اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس تعریف و توصیف کا مجھے اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم رب العزيز دعوة سبحانه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنتوں کی ادائیگی سے پہلے تمام حضرات کھڑے ہو کر اپنی صفیں سیدھی کر لیں. 20 میں خلا نہ رہے, اور جن حضرات کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے اپنے موبائل ٹیلی فون بند کر دیجیے گا. شکریہ.